જોખાડતા દાખો જગાને બોલાઈ ખા જબ તક છોડીને નહીં તબ તક છોડીને નહીં ઉલટા બોલ રહે થે હે ના જબ તક તોડીને નહીં તબ તક છોડીને નહીં આ કિસકો તોડના હે મે દેશ કે મહારાષ્ટ્ર ગુજરાત મધ્ય પ્રદેશ ઓર રાજસ્થાન કે ઇસ ફિલ ટેરિટરી મે આને વાલે तमाम देश के मूल बीज मूल मालिकों को भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा आदिवासी परिवार की ओर से आप सभी का इस ऐतिहासिक मांगर धाम की दया पर हार्दिक हार्दिक जय गुरु महाराज चौहान जय आदिवासी जय भील प्रदेश। आपने आज मांगर धाम है चारों राज्यों की राजधानी बना दिया है, लगभग बना दिया है, तय हो चुका है, लेकिन भील प्रदेश अगर बनाना चाहते हो तो आजाद करिए करखा गई माता को, आजाद करिए प्रतापगढ़ के मातम मावसी को, आजाद करिए डूंगरपुर के हमारे मानसी महाराज की धूरी को, आजाद करिए कि हमको करना है मेरे साथियों। आज हम जी भैया का जो हमारा महल है उसको आजाद करिए, हमारी पिपलाहारी माता को उसको आजाद करिए। चीकरी के मंजी रावत ने 1845 के अंदर माउंटबेटन को हरा दिया था मेरे साथियों, प्रतापगढ़ के साथियों सुन लो, मंजी रावत ने सोनकपुर के हमारे जग्गा रावत ने माउंटबेटन को हरा दिया था। ऐसा ऐसा इतिहास हमारे पूरे भील प्रदेश के अंदर है, पूरे भील प्रदेश के अंदर है। हमारे इतिहास को टटोलने की जरूरत है मेरे साथियों, टटोलने की जरूरत है। आज हम जगह जगह भगवे चढ़ते देखते हैं लेकिन आवाज नहीं उठाते, देवा माता पर हमारे भगवे धवाए फेरा जा रहे हैं। उतारने की जरूरत है, आजाद करने की जरूरत है। जिस दिन हमारी कुल बताई, जिस दिन हमारे पुरखो गए, जितने भी धाम है आजाद हो गए, उस दिन समझ लो भील प्रदेश बन जाएगा, भील प्रदेश बन जाएगा। और जो पूंजीपतियों का गुलाम आज हाथली और फुलड़ी के माध्यम से महाराष्ट्र के अंदर आदिवासियों का दमन कर रहा है, गुजरात के अंदर आदिवासियों का दमन कर रहा है, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों का दमन कर रहा है, हमारे चारों राज्यों में जहां जहां दमन हो रहा है उनका सूपड़े साफ करने की जरूरत है मेरे साथ। उससे हमारा भील प्रदेश बनने से कोई नहीं रोक सकता। वैसे आज ही इतिहास हमारा बन चुका है, 100 सालों के बाद में आज इतिहास हमारा बन चुका है कि हमने एक हमारे प्रतापगढ़ के जो आईबी वाले थे वो बोल रहे थे कितनी संख्या होगी, मैंने कहा आकर के देख लेना। एक उदयपुर का जो साथी था वो पूछ रहे थे कि कितनी संख्या होगी, मैंने कहा आके देख लेना। बांसवाड़ा के कलेक्टर साहब पूछ रहे थे कितनी संख्या होगी, मैंने कहा आकर के देख लेना। ये ऐतिहासिक भूमि है, यह धार्मिक भूमि, आप धर्म भ्रष्ट करके हमारे ऐतिहासिक भूमि को खत्म करना चाहते हो, यह सुपड़ा साफ हो जाएगा मेरे साथ। आप वास्तव में दादा ने जो बात बोली, आज बहुत सारे गलतियां कर रहे थे, अंग्रेजी शराबहीन इलाका हमारे इस मांगर धाम की भूमि पर हमारे पूर्वजों ने प्राण लिया था, लेकिन आज हमारे अपने भाई अंग्रेजी शराब का यूज इस मांगर धाम की पवित्र धाम पर कर रहे थे। मेरा आपसे कहना है दादा ने जो बात कही उस बात को थोड़ा सा कान बांधे, ये अंग्रेजी जो शराब है आप जो बोल रहे हो उसको जड़ से खत्म करें हमारे एरिया से। आपको अगर काम में लेना है तो हमारा देसी रस जो समय समय पर एमएलए साहब राजस्थान की विधानसभा में बोलते आए हैं आप सबने सुना है, मेरे साथ की इन बातों का ध्यान रखिए। हम छोटी छोटी बातों को एक इंजन के रूप में नहीं आए, आज हमारे बाप दादा पूर्वज